हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल 9th क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हाल ही में इंडियन आर्मी JCO/OR के द्वारा एक वैकेंसी नोटिस जारी किए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे टोटल नेम ऑफ द पोस्ट और बात करेंगे एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशन या क्राइटेरिया के बारे में, एज लिमिट के बारे में और आपका स्टार्ट डेट क्या है और लास्ट डेट क्या है। तो मैं आप सभी को बता दूँ, आप किसी भी स्टेट से हैं, इंडियन सिटीजन होना चाहिए आप सबका और आप सबके पास डोमिसाइल होना बहुत ही ज़रूरी है, तो आप सभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अच्छा, बात कर लेते हैं जो आप सभी का ऑनलाइन स्टार्ट डेट है वो क्या है। तो ये स्टार्ट डेट है आप सभी की 14/5/2021, यानी 2 दिन पहले आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। अब ये लास्ट डेट इसकी क्या होने वाली है, तो ये 27/6/2021, यानी 2 हफ्ते का टाइम आप सभी के पास है। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी की, तो एप्लीकेशन फ़ी आपका नील है, यानी कोई भी आपकी एप्लीकेशन फ़ी नहीं रहेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं वैकेंसी वाइज जो आपका क्राइटेरिया रहने वाला है। तो जो वैकेंसी वाइज क्राइटेरिया है, जो पहला है आपका सोल्जर जनरल ड्यूटी, तो इसके लिए आप सभी का है क्वालिफिकेशन कक्षा 10 पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से, ओवरऑल आपका 45% होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं जो आपका यानी ईच सब्जेक्ट यानी पर सब्जेक्ट आपका 33% मार्क्स होना ज़रूरी है और ओवरऑल आपका 45%। बात कर लेते हैं एज लिमिट की, तो ये 17.5 से 21 साल होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट हम सभी देखेंगे, नेक्स्ट है आपका सोल्जर टेक्निकल का। तो सोल्जर टेक्निकल में क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, या कक्षा 12 पास होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से, आपका जो है साइंस से होना चाहिए क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश, ये मिनिमम आपका ओवरऑल 50% होना चाहिए। अगर हम बात करें सब्जेक्ट वाइज, तो ये 40% आपके मार्क्स होने चाहिए, ये सब्जेक्ट वाइज होने चाहिए। असम एज लिमिट की बात करेंगे, तो ये 17.5 से 23 साल होना चाहिए। नेक्स्ट है आप सभी का सोल्जर क्लर्क या स्टोर कीपर टेक्निकल का, तो इसमें आप क्वालिफिकेशन देखेंगे, या कक्षा 12 पास होना चाहिए आप सभी का, ये किसी भी स्ट्रीम से, यानी आपका आर्ट भी हो तब भी चलेगा, कॉमर्स हो या साइंस हो, आप किसी से भी हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम आप सभी का 60% होना चाहिए। अगर हम बात करें सब्जेक्ट वाइज, तो ये आप सभी का 50% होना चाहिए। अच्छा, आप बात कर लेते हैं एज लिमिट की, तो एज लिमिट आपकी 17.5 से 23 साल होनी चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट हम सभी देखेंगे, नेक्स्ट है सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट का। तो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो ये आपका कक्षा 12 पास होना चाहिए, ये साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से और इंग्लिश भी होना चाहिए। नेक्स्ट है आप सभी का, अब आप बात करेंगे ईच मतलब सब्जेक्ट आपका कितना परसेंट होना चाहिए, 40%, यानी जो पर सब्जेक्ट है ये आपका 40% होना चाहिए, ओवरऑल आपका 50% होना चाहिए। एज लिमिट है आपकी 17.5 से 23 साल। नेक्स्ट है आप सभी का नॉवेट के लिए, तो क्वालिफिकेशन आपका रहने वाला है कक्षा 12 पास होना चाहिए आपका साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश के साथ में, मिनिमम आपका 50% ओवरऑल होना चाहिए। बात करते हैं आप सबका ईच सब्जेक्ट, तो ये 40% होना चाहिए, एज लिमिट आपकी 17.5 से 23 साल होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम सभी देखेंगे सोल्जर टेक के लिए, तो ये क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए 10+2 और ये साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश आपका अनिवार्य है यानी मैंडेटरी है, आर साइड है तो आप नहीं फॉर्म को फिल कर सकते, ये कम से कम 50% ओवरऑल होना चाहिए। और मिनिमम की बात करें यानी सब्जेक्ट वाइज, तो ये आपका 40% होना चाहिए सब्जेक्ट वाइज। एज लिमिट है आपका 17.5 से 23 साल। नेक्स्ट है आप सभी का सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए, तो क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, ये आपका 8th और 10th पास होना चाहिए, यानी पास होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं आप 60 या 70% लाएं, आप केवल पास होने चाहिए। बात कर लेते हैं ईच सब्जेक्ट, यानी आपका प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम 33% होना चाहिए। बात कर लेते हैं एज लिमिट का, तो एज लिमिट 17.5 से 23 साल होना चाहिए। नेक्स्ट है आप सभी का सोल्जर डी फार्मा के लिए, तो इसमें आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए 10+2 यानी कक्षा 12 पास आउट होना चाहिए किससे, साइंस यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश के साथ में, साथ ही साथ डी फार्मा में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, ये किसी भी सरकार, ये जो है आपका क्या है यानी जिस भी संस्थान से आप करेंगे वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए। एज लिमिट आपका 19 से 25 साल होना चाहिए। नेक्स्ट है आप सभी, अब बस इतने ही पोस्ट थे, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और हेल्पफुल होगी। यदि वीडियो को लेकर आप सभी में कोई डाउट है, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हैं।
ओके फ्रेंड्स, तो अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अपडेट आप तक बहुत ही जल्द आसानी से पहुंच सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।